मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर जिला जेल स्थित अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया और जिस कोठरी में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को कैद करके रखा गया था उसे भी फांसी स्थल से जोड़ते हुए जनता के लिए खोला गया, जिसको लेकर जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एडीजी जेल चंद्र प्रकाश ने कहा कि शहीद स्थल को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और फांसी स्थल से कोठरी तक गेट बनाया गया है, जिसका जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। एडीजी जेल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न होने पाए इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न होने पाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जेल चंद्र प्रकाश ने कहा, इसमें एक तो इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और पहले जो मेन वॉल में जो गेट नहीं था गेट बना दिया गया है। उसके लिए अलावा जनता के लिए जो कोठरी जिस कोठरी में पंडित जी रहते थे उसको भी जनता के दर्शनार्थ उसको भी एक द्वार बनाया गया है और ये जो पर्यटन विभाग है इनको ये काम दिया गया है और जो कार्यदायी संस्था ने अपना एस्टिमेट्स बना दिए हैं और इसमें हम सोचते हैं जल्दी से ही इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। हमने जो बातें रखी हैं उसमें एक तो जो सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हमारे वो देखे जाए और उसके अलावा जो इसका मूल स्वरूप है जो स्मारक जो बनेगा इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ ना की जाए तो ये हम देखेंगे। हमारे सुपरिटेंडेंट साहब इसको मॉनिटर करेंगे कि काम अच्छा हो, क्वालिटी से हो और इससे जनता को लाभ मिले और ऐसे स्मारक जब ऐसे बनते हैं तो प्रेरणा के एक स्रोत होते हैं, तो जब जनता इसमें आएगी और उसमें अपना देखेगी तो उनको प्रेरणा मिलेगी और देश प्रेम की भावना भी जागृत होगी। और वो हम लोग तय कर लेंगे, वैसे तो जैसे जिस दिन शहीद दिवस होता है 19 दिसंबर को जो फांसी हुई थी उस दिन तो सबके लिए खोला जाता है, बाकी इसके लिए अभी इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी और वो जब तय हो जाएगा उसके बाद सभी को अवगत करा दिया उसी हिसाब से खोला जाएगा जो है।